हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। Yeah!
शांतिरंतरिक्ष गुण शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 हे प्रभु, ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। अंगद, ये सब इन्हीं के श्री चरणों का प्रताप है। इनके श्री चरणों में नमस्कार करो वत्स। युवराज अंगद, भगवान तुम्हें सुखी दीर्घायु तथा यशस्वी करे। किष्किंधापति महाराज सुग्रीव, भगवान पुंडरीकाक्ष आपको एक आदर्श प्रजावत्सल राजा होने का यश प्रदान करें। बैठिए महाराज। महाराज, लक्ष्मण ने हमें किष्किंधा के सारे समाचार सुनाए हैं। हमें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि राज्य के समस्त प्रमुख जनों, परिजनों एवं प्रजा ने राजा के रूप में आपका स्वागत किया है। जिस राजा को इतना स्नेह मिले उसका उत्तरदायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। आप सूर्य पुत्र हैं, इसलिए भगवान सूर्य की भांति अपने वात्सल्य की किरणें सारी प्रजा में एक समान प्रदान करनी चाहिए, जिससे सबके घरों में सुख समृद्धि का प्रकाश फैले। यद्यपि आपके पास हनुमान, जामवंत, नलनील आदि बुद्धिशाली मंत्री हैं, फिर भी हम आपको परामर्श देंगे कि वाली के साथ जो मित्र थे उन्हें भी अपने मंत्रिमंडल में अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। विशेषतः वाली के मित्रों को यह आभास नहीं होना चाहिए कि उनका अस्तित्व अर्थहीन हो गया है। इस साम्राज्य को समृद्धशाली बनाने में जिनका योगदान है उनका सहयोग अवश्य लेना चाहिए। इससे एक ओर तो प्रजा कल्याण के कार्य निर्बाध रूप से चलते रहेंगे, दूसरी ओर राज्य में फूट नहीं पड़ेगी। इस समय आपका प्रथम कर्तव्य है राज्य की समस्त शक्तियों का संगठन। उससे भी पहले मेरा कर्तव्य है देवी सीता की खोज कराना, जिससे कि उनकी मुक्ति का उपाय किया जाए। आपने ठीक कहा महाराज सुग्रीव। सर्वप्रथम हम सबका कर्तव्य यही है कि चारों ओर भाभी की खोज कराई जाए। परंतु उस अभियान के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है लक्ष्मण। वर्षा का आरंभ हो चुका है, चारों ओर नदी नाले चढ़े हुए हैं, यातायात संभव नहीं है। इसीलिए चौमासे में सारी यात्राएं स्थगित कर दी जाती हैं। महाराज सुग्रीव, ये चार मास आप अपने नए राज्य को सुव्यवस्थित करने में लगाइए। इसके पश्चात कार्तिक लगते ही
आप सारे वानरों को इकट्ठा करके हमारे पास आइए, फिर इस महाअभियान का श्री गणेश किया जाएगा। ये चार मास हम प्रसरवन गिरि पर्वत पर निवास करेंगे। चार मास? महाराज सुग्रीव, चौमासा बीतने के पश्चात एक दिन की भी देरी न कीजिएगा। भैया तो अपने मन की व्यथा किसी से नहीं कहेंगे, परंतु मैं सोचता हूं इतना लंबा समय भाभी कैसे व्यतीत करेंगी, उनका तो पल पल वर्षों की भांति बीत रहा होगा, और ऊपर से इस वर्षा में उनके हृदय में क्या बीतती होगी।
सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जन्म जन्म का नाता जोड़ा, जय माला का शुभ क्षण आया, तीन लोक में आनंद छाया। चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुंचे, जो छुई हुई के पल्लव हो सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, अद्भुत रूप निराला, कहना हो जय माला श्री रघुवर कोमल कमल नयन को, कहना हो जय माला, कहना हो जय माला। बचपन बीता ब्याही राज महल में, जीवन ऐसा खेल के कोई मेल न आज और कल में, सबसे छूटी बेबस एक बेचारी, बेदेही की दीन दशा को, बेदेही की दीन दशा को देख के आए निठुर नियत के हाथों का खिलौना, हर कोई है यहाँ बस निठुर नियत के हाथों का संग
बीते कल की अनगिन सुधियां हैं पल पल की देख सिया को विचलित होना चाँद को तकना तनिक न सोना चाँद को तकना तनिक न सोना से अधिक है नहीं पाने के दुख से अधिक है दुस्सह पाकर खोना हर कोई है यहाँ बस निठुर नियति के हाथों का खिलौना कोई न जीवन के किस मोड़ पे कब क्या होना हर कोई है यहाँ बस निठुर नियति के हाथों का खिलौना कोई न जाने जीवन के किस मोड़ पे कब क्या होना हर कोई है यहाँ बस निठुर नियति के हाथों का खिलौना कोई न जाने जीवन के किस मोड़ पे कब क्या निठुर नियति के हाथों का खिलौना आज भी महाराज के दर्शन नहीं हो सके यदि महाराज अंतःपुर से बाहर नहीं निकलेंगे तो यह राज कार्य कैसे चलेगा आपको केवल राज्य कार्य की चिंता है मुझे राम कार्य की भी चिंता है महाराज सुग्रीव भोग विलास में ऐसे फंसे हैं कि उन्हें श्री राम को दिया हुआ वचन भी याद नहीं रहा श्री राम ने स्वयं उनको 4 माह की मोहलत दी थी कि चौमासा व्यतीत हो जाए उसके पश्चात कार्तिक में मुझसे मिलना फिर सीता माता की खोज आरंभ करेंगे इस बात का उन्हें अवश्य ध्यान रखना चाहिए अब तो वर्षा काल भी बीत गया है शीतकाल प्रारंभ हो गया है परंतु इनकी मोह निद्रा नहीं टूटी मुझे तो भय है कि कहीं श्री राम जी को क्रोध आ गया तो वो किष्किंधा का ही विनाश कर देंगे हनुमान
तुम जाकर महाराज को समझाओ। परंतु उनसे मिलूंगा कहाँ? अंतःपुर में। अंतःपुर में? नहीं नहीं, मुझे संकोच हो रहा है। तुम तो उनके मित्र भी हो, फिर संकोच किस बात का? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। अंतःपुर में हर समय नाच रंग की सभा जमी रहती है। एक बार मैंने अंदर जाने का साहस किया था, वहां का रंग देखकर भाग आया। महाराज निसंकोच सुंदरियों में घिरे हुए थे और मदिरा का सेवन कर रहे थे। बहुत दिन ऋषिमुख पर्वत पर कष्ट सहे हैं, इसलिए प्यास मिटा रहे हैं। प्यास मिटाएं, परंतु श्री राम के क्रोध का सामना कौन करेगा? चौमासा बीत गया, शरद ऋतु का सुहाना शुभ आगमन हो गया। इस चौमासे का एक एक दिन मैंने किस तरह बिताया है तुम जानते हो लक्ष्मण? जानता हूं भैया। आपकी व्यथा देखकर जितना दुख मेरे मन में हो रहा है, उससे कहीं अधिक वेदना मेरे मन में सीता माता के लिए उठती है। वो अपने दिन किस प्रकार बिता रही होंगी? रह रहकर मन में एक बिजली सी कौंध उठती है। पता नहीं सीता इस संसार में है या नहीं। नहीं नहीं भैया, ऐसे अमंगलकारी कल्पना कदापि उचित नहीं। उसका कोमल तन ऐसी कठोर यातना कैसे सहन कर सकेगा? अपने को सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान, सबका कल्याण चाहने वाला ये राम अपने आप के लिए कैसा असमर्थ बना बैठा है। लक्ष्मण, ये 4 मास हमने बिताए हैं सुग्रीव के आश्रय, परंतु अब ऐसा लगता है कि सुग्रीव को अपने वचन का कुछ भी विचार नहीं। न तो वो स्वयं आया और न ही उसने कुछ ऐसा उद्योग दिखाया कि वर्षा ऋतु बीतने के पश्चात उसे अपने मित्र के लिए कुछ करना है, उसका कुछ कर्तव्य है। भैया, आखिर है तो वह चपल वानर की जात, उनका कौन सा कर्तव्य, कौन सी नैतिकता? दुख तो इस बात का है कि हनुमान को भी मेरी चिंता नहीं। वैसे हनुमान विद्वानों ज्ञानवान है, पर है तो सुग्रीव का ही साथी। यदि वो कुछ करना भी चाहेगा तो क्या करेगा? भैया, असली अपराधी तो वो कृतघ्न मिथ्याचारी स्वार्थी सुग्रीव है। हाँ लक्ष्मण, अपना मनोरथ पूरा करवाकर वो मेरी अवज्ञा कर रहा है। राज वैभव के विलास में डूबकर उसे अपनी प्रतिज्ञा का भी विचार नहीं रहा। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम एक बार किष्किंधापुरी जाओ, उसे सावधान करो। वो मेरी प्रत्यंचा की भयंकर टंकार को भूल गया है, वो वाली के प्राण लेने वाले राम के अमोघ बाण को भूल गया है, उसे चेता देना आवश्यक है। आपके चरणों की शपथ लेकर जाता हूं भैया, अब सुग्रीव की रक्षा इस धरातल पर कहीं संभव नहीं। किष्किंधा से सीधा घसीट कर लाकर आपके चरणों में डाल दूंगा। यदि उसने जोर दिखाया, मेरा एक ही बाण उसकी जीवन डोर समाप्त कर देगा। वहीं उसे ढेर करके उसे भी उसके भाई बाली के पास पहुंचा दूंगा। ठहरो लक्ष्मण, इतनी उत्तेजना और आवेश में भी अपने स्थान से जाना उचित नहीं। इस समय हमारे मन में जो उद्वेग उत्पन्न हो रहा है, वो हमारे अपने कार्य सिद्धि में विलंब होने के कारण हमारी निराशा की हीन भावना मात्र है। तुम सदाचारी हो, संयम खोकर सुग्रीव का इतना अनहित करने की बात सोचना हमें शोभा नहीं देता। हम सुग्रीव को मित्र कह चुके हैं, ये बात भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। प्रेम का धर्म सबसे बड़ा धर्म है और उसका पालन करना सबसे पुनीत कर्तव्य। जाओ, समय और स्थिति के अनुसार संयम से काम लेना। हो सकता है हम मिथ्या ही सुग्रीव पर दोषारोपण कर रहे हो और वो वास्तव में हमारे ही कार्य में संलग्न हो।
इस बात का निश्चय तो वहीं जाकर होगा, इस समय सुग्रीव किस कार्य में इतना संलग्न है। Time!
चिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। न बुझाए